नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर तीन चेहरा देख रहे हैं। ये चेहरा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और इन तीनों का तुलना हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इन तीनों का कार्य हम आपको बता सकें। बिहार के जहां ये दो नेता आज अपने निजी कार्यों में व्यस्त हैं, निजी कार्य हम इसलिए कह रहे हैं कि पीएम बनने का लाभ इनका निजी लाभ होगा, मुख्यमंत्री बनने का लाभ इनका निजी लाभ होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए त्योहारों के इस मौसम में दिवाली और छठ के अवसर पर बिहार दिल्ली के संविदा कर्मियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद में हम आपको इनकी कमियां गिनाएंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा संविदा कर्मियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया जाना बिहार के संविदा कर्मियों में आक्रोश पैदा कर रहा है, जो स्थिति अब धीरे धीरे विकराल रूप लेगी, जिसका जो है कि खामियाजा ये दोनों नेता भुगतेंगे। इसलिए हम इनको समय समय पर सलाह देते रहते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप सारा काम अपना कर रहे हैं, लेकिन बिहार के संविदा कर्मी जिनमें शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज के लोग, किसान सलाहकार के लोग, रात्रि प्रहरी के लोग, ये लोग जो है कि भटक रहे हैं। इंदिरा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, बेल्ट्रॉन के DEO, आउटसोर्स के कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो है कि ANM सहित बिहार के ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, विकास मित्रों की जो है कि जीवन संकट में पड़ी हुई है। त्योहार के इस मौसम में इनकी जेबें खाली है और जो है कि आपके स्तर से किसान सलाहकारों के लिए कोई राहत कार्य अभी तक नहीं किया जाना खेद का विषय है। किंतु आप लोग जान लीजिए कि दिल्ली में क्या चल रहा है इस त्योहार के मौसम में। अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दिल्ली के संविदा कर्मियों को क्या तोहफा और सौगात दिया गया है, उसका अनुसरण बिहार के इन तीनों दोनों नेताओं को करने में क्या दिक्कत है, इसका जवाब इनसे हम आज मांग रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं। श्रमिकों और संविदा कर्मियों को वेतन में बीते 1 अक्टूबर से लागू होगी बढ़ोतरी, बढ़े महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा न्यूनतम वेतन। नई दिल्ली, दिल्ली सरकार ने बढ़े हुए वेतन के रूप में संविदा कर्मियों और श्रमिकों को दिवाली का तोहफा दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली के अकुशल अर्धकुशल संविदा श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। श्रमिकों के बढ़े भत्ते के साथ न्यूनतम वेतन मिलेगा। सिसोदिया ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बढ़े हुए भत्ता और वेतन बीते 1 अक्टूबर से लागू होगा। बताते चले कि सरकार पहले श्रमिकों अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों को दिवाली का बोनस देने का निर्देश जारी कर चुकी है। सिसोदिया ने कहा कि गरीब मजदूर वर्ग के हितों के लिए ध्यान में रखते हुए बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम उन्हें राहत देगा। बढ़े हुए महंगाई के भत्ते का लाभ लिपिक, सुपरवाइजर, अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी और जो है कि सभी कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक लगाई नहीं जा सकती, जिन्हें सामान्यतः केवल न्यूनतम मजदूरी मिलता है। इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर न्यूनतम मजदूरी देने का फैसला किया है। सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली में मजदूर संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार संविदा कर्मियों को राहत देने के लिए 6 महीने से लगातार महंगाई भत्ते को बढ़ाती रही है। सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों और गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18,187 रुपये है, यानी कि जो नॉन मैट्रिक है उसका भी वेतन दिल्ली में 18,187 रुपये था, उसे बढ़ाकर 18,499 रुपये कर दिया गया है। मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक जो कि BA पास नहीं होते हैं, उनका मासिक वेतन 20,319 रुपये से बढ़ाकर 20,357 रुपये तथा स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को 21,756 से बढ़ाकर 22,146 रुपये कर दिया गया है। तो हम ये बातें बिहार के संविदा कर्मियों सहित इन दोनों नेताओं से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मियों को जो सुविधाएं दे रही है, जिनमें नॉन मैट्रिक को भी 18,000 से अधिक वेतन दिया जा रहा है,
मैट्रिक और इंटर वाले को 22,000 से अधिक वेतन मिल रहा है, तो बिहार की सरकार क्यों मौन साधे हुए है और ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि हम जो है कि संविदा कर्मी के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, जबकि दिवाली और छठ के अवसर पर रात्रि प्रहरी, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, किसान सलाहकार, विकास मित्र, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इंदिरावास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, बेल्ट्रॉन के DEO, कृषि समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड समन्वयक सहित मनरेगा में कार्यरत सभी संविदा कर्मी और अन्य जो संविदा कर्मी, जिनमें जो है कि आपको बता दे बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जिनका नाम हम अभी नहीं ले रहे हैं, उन सारे लोगों के साथ जो है कि समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि महंगाई कमर तोड़ है और अपने अधिकतम चरम पर है और ऐसे स्थिति में बहुत से संविदा कर्मियों को मानदेय का भुगतान भी यह सरकार नहीं कर पाई है। यह सरकार और ये नेता दावा करते हैं कि हम लोग सुशासन की सरकार चला रहे हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि सुशासन की सरकार अगर यह है तो कुशासन की सरकार कैसी होती है, यह बताने का काम ये नेता लोगों को, संविदा कर्मियों को करना चाहिए और दिल्ली की सरकार का अनुसरण करते हुए बिहार में भी जो है कि वही समकक्ष जो दिल्ली में वेतन मिल रहा है उसी वेतन को लागू करने की मांग करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय